जब भी हम कोई डिस्कवरी करते हैं, हमें लगता है कि अब हमारे किसी एक सवाल का जवाब हमें मिल चुका है। डिस्कवरी का मतलब यही होता है कि अब हम पहले से ज्यादा जानते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि एक नई खोज अपने साथ हजारों नए सवालों को लेकर आती है और हम पहले जो जानते थे उसे पूरी तरह से झुठला देती है। आज बात करेंगे ऐसी ही 10 डिस्कवरीज की जिन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट से लेकर साइंटिस्ट तक सबको परेशान कर दिया। नंबर 10, केव पेंटिंग्स। लगभग 1000 साल पहले आज के तंजानिया में एक सिविलाइजेशन रहा करती थी। ये पेंटिंग और दूसरे कामों को बहुत ही बारीकी से करते थे। उनकी एक पेंटिंग के बारे में बहुत ही ज्यादा बात होती है, जिसमें उन्होंने ऐसे इंसानों को दिखाया है जिनके सर पर बफेलो का सर है। पहले तो आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि ये इनके कल्चर में कोई रिचुअल होगा, क्योंकि ऐसा कोई जानवर जिसके दो पैर हों और भैंस का सर हो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन ऐसा भी नहीं था, ये कोई कल्चर से जुड़ा हिस्सा नहीं था। ऐसा बताया गया तंजानिया में रहने वाले लोगों के वंशजों द्वारा। हालांकि इसका मतलब क्या है ये अब तक समझा नहीं जा सका। कुछ लोगों के द्वारा ये भी सुझाया गया है कि यहाँ एलियन की बात हो सकती है, लेकिन ये भी बस एक थ्योरी है। ये दुनिया की सबसे पुरानी केव पेंटिंग है और हम अब तक इसका मतलब नहीं जानते। नंबर 9, क्यूकुटिनी कल्चर। हमारे शहरों में हमने देखा है कि पुरानी बिल्डिंग को हटाकर नई बिल्डिंग बना दी जाती है। कई बार पुरानी बिल्डिंग को ही गिरा दिया जाता है और कई बार उसकी नींव का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि क्यूकुटिनी ट्रिपेलियन कल्चर में इससे कुछ अलग ही किया जाता है। ये कल्चर लगभग 7,500 साल पुराना है और आज के रोमानिया, यूक्रेन और मालदोवा में स्थित है, जहां हम लोग अपनी पुरानी बिल्डिंग का मलबा या तो प्रयोग कर लेते हैं या उसकी नींव का इस्तेमाल करते हैं। वहीं इस कल्चर के लोग खुद को गायब करने के लिए अपने घरों को जला दिया करते थे। इस कल्चर के लोग वैसे तो काफी शक्तिशाली थे और आर्ट में उनका कोई सानी नहीं था, लेकिन वो मरने से पहले या जगह बदलने से पहले अपने घरों को पूरी तरह से जला दिया करते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि दुनिया में उन्हें भुला दिया जाए। नंबर 8, हिल टॉप माउंटेन वॉल। जॉर्जिया में एक 850 फीट लंबी दीवार है जो कि बहुत साल पुरानी है। इसे यहाँ के लोग माउंटेन हिल टॉप कहते हैं, लेकिन जैसा कि दुनिया में हर दीवार का एक पर्पस होता है, इस दीवार का कोई पर्पस नहीं है। ये दीवार यहाँ क्यों बनाई गई कोई भी समझ नहीं पाता। ना तो ये आकार में गोल है और ना ही आयताकार, जिससे समझ आए कि यहाँ कोई रहता होगा। हालांकि दीवार के पर्पस से ज्यादा ये हैरान करने वाला है कि इसे किसने बनाया। कई लोगों का कहना है कि यहाँ के नेटिव अमेरिकन्स ने इसे बनाया होगा, तो कई लोगों का कहना है कि चौरकी समुदाय द्वारा इसे बनाया गया है। कई लोग ये भी कहते हैं कि इसे डी सोटो की आर्मी ने बनाया होगा, लेकिन हर एक कल्पना की जांच करने पर पता चलता है कि ऐसा नहीं है। तो आखिर इस दीवार को बनाया किसने, क्या आप जानते हैं? नंबर 7, द ह्यूमन फेस। 2020 की गर्मियों में ब्रिटिश कोलंबिया के द्वीप पर एक पत्थर मिला जिस पर नक्काशी की गई थी। इस पत्थर पर एक इंसान का चेहरा बना था, इसलिए इसे ढूंढने वाले ने तुरंत म्यूजियम से संपर्क किया। म्यूजियम ले जाकर जब इस पर रिसर्च की गई, तब ये सामने आया कि ये एक सेरेमोनियल पत्थर था जिसे कि इंडिजीनियस लेकॉन्जन लोगों द्वारा बनाया गया था। हालांकि जब इस कंक्लूजन को म्यूजियम की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया, तभी एक आर्टिस्ट आगे निकल कर आया और उसने कहा कि ये उसकी अपनी क्रीचर है। हालांकि डी वॉटो नाम के इस आर्टिस्ट को जब ढूंढा गया, तब वो गायब था और उसने म्यूजियम की वेबसाइट से अपनी पोस्ट भी डिलीट कर दी थी। हालांकि इस बारे में सच और झूठ का फैसला अब तक नहीं किया जा सका है, लेकिन ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जिसके लिए डी वॉटो इतने पुराने कल्चर से जुड़ा कुछ क्रिएट करे। नंबर 6, अंडरग्राउंड मिस्ट्री। पिछले साल के लॉकडाउन में लोगों को लगभग हर चीज की कीमत समझ आ गई और लोगों ने कचरे तक का प्रयोग करके कुछ न कुछ बनाना शुरू कर दिया। ऐसे ही लोगों में से एक है इंग्लैंड में रहने वाले जेक ब्राउन। ब्राउन अपने घर की बेसमेंट में बैठकर कचरे से कुछ बना रहे थे और तभी उन्हें लगा कि उनके घर की एक दीवार बाकी 3 से थोड़ी अलग है। उन्होंने तुरंत उस दीवार में ड्रिल किया और आगे जो निकला उसे देखकर वो चौंक गए। ये एक एंट्रेंस था। ये एक गुफा जैसी जगह थी जिसके अंदर 1964 का अखबार रखा हुआ था। लोकल हिस्टोरियंस ने बताया कि इंग्लैंड में ऐसी जगह हुआ करती थी जहां लोग डंपिंग करते थे और कूड़ा गिराते थे। हालांकि ये भी हो सकता है कि ये अंडरग्राउंड बाथ के लिए प्रयोग किया जाता हो। अब तक ये मिस्ट्री भी हल नहीं की जा सकी है। नंबर 5, कैपिलिकाया।
तुर्की एक ऐसा देश है जहां पर हर कदम पर मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, लेकिन यहां अभी भी ऐसे कई मॉन्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता। इनमें से एक है कैपलिकाया। ये एक शानदार मकबरा है जो कि पहाड़ों के ऊपर बनाया गया है। कैपलिकाया को पहाड़ों में से काट कर बनाया गया और यह अंदर जा रही एक गुफा में मौजूद है, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता कि इसे कब बनाया गया था। कई लोगों का ये मानना है कि ये 2200 साल पुराना है, लेकिन उस वक्त लोग ऐसे आर्किटेक्चर नहीं बनाते थे। इससे जुड़ा कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अब तक नहीं मिल पाया है। केवल लोकल से इतना जाना जा सका है कि ये एक कमांडर को डेडिकेट करके बनाया गया था। नंबर 4, 3 billion year old मीथेन। कई बार जमीन के ऊपर की ही नहीं अंतरिक्ष की भी डिस्कवरी भी हमें सन कर देती है। ऐसी ही एक डिस्कवरी है लाल प्लैनेट यानी कि मार्स की डिस्कवरी। मार्स पर हाल ही में मीथेन को ढूंढा गया। ये लगभग 3 billion साल पुराना पदार्थ है और अब वैज्ञानिकों के लिए ये सरदर्द बन चुका है कि मार्स पर मीथेन क्या कर रहा है। कोई इसका जवाब नहीं जानता। किसी को लगता है कि ये बायोलॉजिकल तरीके से बना होगा और किसी को लगता है कि ये पानी के साथ रिएक्शन के कारण आया होगा। हालांकि सच क्या है ये अब तक नहीं पता लगाया जा सका है। ऐसा लगता था कि मार्स पर कुछ मिला तो वो वहाँ इंसान है या नहीं इस गुत्थी को सुलझाएगा, लेकिन यहाँ मीथेन की खोज ने सवालों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। नंबर 3, ओल्ड स्कूल ड्राइंग। 2021 में टोरंटो में एक कपल जिनका नाम एबी और अनुषा नरेंद्र था, उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी बिल्डिंग को अपग्रेड किया जाए। उन्होंने सोचा कि एक एक दीवार को हटाकर रिप्लेस कर दिया जाए। जैसे ही उन्होंने दीवार को तोड़ना शुरू किया, उन्हें एक हैरान कर देने वाली पेंटिंग मिली। इस पेंटिंग में एक घोड़ा बना हुआ था। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि ये कितने साल पुराना है। इस कपल के पूर्वज यहाँ साल 1950 से रहते थे और उनके द्वारा ऐसी कोई भी ड्राइंग नहीं बनाई गई थी, और ऐसे में ये हो सकता है कि ये ड्राइंग उनसे भी पहले बनाई गई हो। इस पॉसिबिलिटी के कारण उस ड्राइंग का दाम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि वो कितने साल पुरानी है इसका पता तो लैब में एक्सपेरिमेंट के बाद ही लगाया जा सकता है। हालांकि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा क्योंकि ओनर्स ने फिर उस ड्राइंग को दीवार के पीछे छुपा दिया है। नंबर 2, अनआइडेंटिफाइड शेल। हैम्पटन में साल 2020 में कुछ ऐसा मिला जिसे आर्कियोलॉजिस्ट तक आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए कि वो है क्या। हुआ ये कि टोनी नाम का एक आदमी अपने डॉग को वॉक कराने जंगल की तरफ ले जा रहा था और तभी पेड़ की छाल पर उसे एक शेल नजर आया। उसे लगा कि शायद वो किसी चिड़िया का घोंसला है, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि वो किसी भी तरफ से खुला नहीं था। टोनी ने उस शेल की फोटोज को खींचकर इंटरनेट पर अपलोड कर दिया, लेकिन वहां से भी कोई रिजल्ट नहीं आया क्योंकि कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिर ये है क्या। नंबर 1, रोज हाइप न्यूरॉन। नंबर 1 पर दोस्तों बात करेंगे अपनी यानी कि इंसानों की। ह्यूमन ब्रेन दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स चीजों में से एक है। डॉक्टर हमेशा ये जानने की कोशिश करते रहते हैं कि ये काम कैसे करता है। वो जितनी रिसर्च करते हैं उतने ही हैरान होते चले जाते हैं। 2018 में ऐसे ही रिसर्च करते हुए एक ब्रेन सेल की खोज की गई। इसका नाम रखा गया रोज हिप न्यूरॉन। ये न्यूरॉन दिमाग के ऊपरी हिस्से में होता है और ये देखने और सुनने से जुड़ी एक्टिविटी में काम आता है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि ये दूसरे न्यूरॉन की एक्टिविटी पर ब्रेक भी लगा सकता है। जब ऐसे किसी न्यूरॉन को चूहे या किसी और जानवर के दिमाग में ढूंढने की कोशिश की गई तब उन्हें कुछ नहीं मिला, जिसका मतलब ये होता है कि ये काफी यूनिक है। हालांकि इसने इंसानों के दिमाग के बारे में और नए सवाल पैदा कर दिए हैं कि आखिर अभी और क्या क्या ऐसा है जो हम नहीं जानते। तो दोस्तों ये थी कुछ हैरान कर देने वाली मिस्ट्रीज। आपको किसने किया सबसे ज्यादा हैरान कमेंट करके बताना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।